हेलो नमस्कार, मैं प्रियंका अपने किचन में आपको स्वागत करती हूँ। आपके लिए बहुत ही महंगी रेसिपी लेकर आए हैं, जो हर पूजे पाठ में ये चाहिए और सभी चीज़ों में ये बनती है। इसे बनाने के लिए हमने 3 कप बेसन ले लिए है और इसे हम छन्नी से बहुत बारीकी से छान लेंगे, ताकि जो इसमें गुठलिया हो वो निकल जाए। आप पॉकेट वाला बेसन ही प्रयोग करना, क्योंकि पॉकेट वाले बेसन ही बहुत ही अच्छे होते हैं और हम इसे अच्छी तरह से हाथों से, और हमने 3 कप बेसन लिए हैं और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और इस तरह से हम घोल, थोड़ा थोड़ा पानी रखकर इसे घोल बनाएंगे, ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट मिश्रण बने। और आप जानते हो क्या कि अगर बेसन में पानी मिलाकर हम छाने तो कितना अच्छा रेसिपी बनता है। नहीं मालूम है तो चलिए हम बताते हैं। इसमें अब हमने घोल लिए हैं और अच्छी तरह से, मतलब अब इसमें कलर फूड हम मिक्स कर रहे हैं, चंपई कलर कलर फूड मिक्स कर रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और इसे सभी कामों में इसका प्रयोग होता है। चलिए अब देर ना करते हुए हमने एक कढ़ाई ले लिए है। इसमें अब हम जितने बेसन लिए थे उसका, मतलब दो, उसके अनुसार मैं परफेक्ट नाप बता रही हूँ। 2 कटोरे आप चीनी लीजिएगा और इसका बिल्कुल परफेक्ट नाप बनेगा, बिल्कुल ना ज़्यादा कुछ गड़बड़ होगी और बहुत ही यूनिक ये बनेगा। चलिए अब इसमें हम 2 कप ही पानी डालते हैं और इसका हम घोल बनाते हैं। अब इसको हम चलाते हुए इसका हम घोल बना लेंगे, इसका चाशनी बना लेंगे। और ये देखिए, हम चलाते हुए इसे चलाते हुए बहुत अच्छी तरह से थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि इसमें झाग आ जाए। तब तक इसे पकाएंगे और ये थोड़ी चिपचिपी हो जाए, ज़्यादा नहीं। अब इसमें हम उतार कर हम 2 इलायची कुटी हुई डाल देंगे और इसे मिला लेंगे। अब इसमें हम केवड़ा लाइसेंस डालेंगे, ताकि ये इसमें खुशबू आए। केवड़े लाइसेंस से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत टेस्टी ये यूनिक रेसिपी बनती है और आपको देर नहीं लगती। आप चाहे तो चम्मच से भी बना सकते हो। आप बिल्कुल ये परफेक्ट, जिस तरह से हमने घोल बनाया है, ये बिल्कुल देखिए परफेक्ट बन रहा है। और आपको मैंने ये बताकर भी, चम्मच के सहायता से भी बताएं, ये बिल्कुल देखिए किस तरह से आप रखिएगा और बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी परफेक्ट नाप से बनेगी और बहुत ही। और आपके पास अगर इस तरह का होगा तो इस तरह में बनाइएगा तो बिल्कुल और भी मार्केट जैसा बिल्कुल बनेगा। और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से आप उसके ऊपर रखकर थोड़ा सा घोल रखते जाइएगा और ये अपने आप बनते जाएगा, गिरते जाएगा। और देखिए ये किस तरह से, और हाई फ्लेम रखिएगा और इसे हम बनाइएगा। बहुत ही आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये मार्केट का नहीं है। अगर और आप ये भी, आपके पास सभी लोगों के पास होता है, अगर वो नहीं हो तो इसमें भी आप बना सकते हो। दोनों में मैंने 3 प्रकार से आपको बताई हूँ और तीनों प्रकार से आप बना सकते हो और बहुत ही। और देखिए आपको आवाज़ भी सुना रही हूँ, देखिए किस तरह से ये क्रश कर रहा है, मतलब आवाज़ झनझन बज रही है। बहुत ही परफेक्ट नाप से बना है और सही में आप क्या बताऊं। और आप इसका ना ये पॉकेट वाला बेसन से ही बनाइएगा, ताकि ये बहुत परफेक्ट बने। नहीं तो ये खुला बेसन लेने से ना ये बिगड़ जाती है और अच्छी नहीं बनेगी, तो आप बोलिएगा अच्छे नहीं बने। अगर वीडियो संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप बताइएगा। और देखिए ये बहुत ही, आपको देख रहे हैं कितनी अच्छी बन रही है। अब देखिए थोड़ा ज़्यादा हो चुका है ना, तो इसमें हम अब चाशनी में इसको डालेंगे और आपको दिखा रहे हैं कितनी क्रश करके। और देखिए किस तरह से, और बहुत, अब मैंने क्या बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ। और आप, अब थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी तो इसे हम चाशनी में रख देंगे, तब तक ये फूलेगा, तब तक दूसरी बैच भी तैयार करेंगे। और ज़्यादा है तो इसका भी मैं इसको चलाते हुए इसको ढक देंगे, चला कर अच्छी तरह से और ढक देंगे। और ये देखिए कि किस तरह से फूल रही है और बिल्कुल रसदार लग रही है ना, आपको लग रहा है ना। और देखिए अब हमने सभी को इसी तरह रख चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना ज़्यादा बनकर तैयार हुआ। बिल्कुल 3 कप ये 300 ग्राम बेसन का है, कितना मतलब कितना ज़्यादा बना है। और घर पे बनाइए प्रसाद के लिए, चाहे जो चीज़ में, अगर पूजा पाठ हो रहा है तो बूंदी बनाना बहुत ही अच्छी रहती है, शुभ रहती है, इसे बनाइए। और हम इसमें हम डाल रहे हैं खरबूजे की बीज
जो देख सकते हैं आप। और मैं थाली में सजा ली हूँ, पूजे के लिए बनाई हूँ, तो कासे के तल में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।